स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ्य योजना संख्या 16 को लेकर के, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित उप विषय इतिहास से है और आज का प्रकरण है हमारा तुगलक वंश। इसके पिछले वीडियो में हमने 1 से 15 तक के लेशन प्लान को लेकर के बात की है। तो अगर आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में है या फिर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में है और एसएसटी से लेशन प्लान तैयार कर रहे हैं अपनी पाठ्य योजना के फाइल के लिए, तो आप हमारे होम पेज पे जाकर के वहां पर जैसे ही आप एसएसटी के लेशन प्लान डालेंगे, सर्च करेंगे, आपको 1 से 16 तक के लेशन प्लान देखने को मिल जाएंगे, जिसे देख करके आप अपनी पाठ्य योजना फाइल तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आप यहाँ पर पाठ्य योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, उसके बाद आप सीधे सीधे 5 कॉलम बना सकते हैं, अदरवाइज आप पॉइंट वाइज भी चीजें मेंशन कर सकते हैं। दिनांक, जिस भी डेट को आप लेशन प्लान बनाते हैं यहाँ पर वो डेट मेंशन करेंगे, डेट आप कॉपी मत करिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट रहता है यानी विषय, विषय है आपका सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आपका उप विषय है इतिहास। चक्र यानी पीरियड की बात की जाए तो ये है आपका तीसरा, आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, यानी फर्स्ट टू जो भी आप डिवाइड करके डालना चाहें डाल सकते हैं। टाइम पीरियड यानी समय अवधि की बात की जाए तो ये आपका 35 मिनट है, तो इसे आप 35 मिनट डालेंगे। उसके बाद कक्षा की बात की जाए, कक्षा 7 है तो कक्षा 7 डालेंगे, और कक्षा 7 से ही आज का प्रकरण है हमारा तुगलक वंश, जो कि आपका 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में ही लेशन प्लान को लेकर के बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स। तो सामान्य उद्देश्य की बात की जाए तो ये आपके उप विषय इतिहास से संबंधित आप बच्चों को सामान्य जानकारियां देंगे। अगर आपका उप विषय नहीं है तो विषय से संबंधित आप सामान्य जानकारियां देते हैं, जैसा कि इसमें पहला पॉइंट दिया है छात्रों में ऐतिहासिक रुचि उत्पन्न करना, दूसरा पॉइंट है छात्रों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना, तीसरा पॉइंट है अतीत व वर्तमान में संबंध स्थापित करना, चौथा पॉइंट है छात्रों में सर्वधर्म भावना का विकास करना, पांचवा पॉइंट है छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, छठा पॉइंट है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई सामान्य उद्देश्यों को लेकर के, जो कि आपके उप विषय से संबंधित थे। आगे हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाए तो ये आपके प्रकरण, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित विशिष्ट जानकारियां देने के लिए आप लिखते हैं। इसमें जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्यों में आप चीजें लिखेंगे। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञान कराना पाठ का, इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राओं को तुगलक वंश के बारे में जानकारी दे सकेंगे। दूसरा है तुगलक वंश की शासन व्यवस्था को जान सकेंगे छात्र। ठीक है, फिर आएगा आपका जो दूसरी हेडिंग वो है बोधात्मक उद्देश्य, इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राएं तुगलक वंश की उपलब्धियों का बोध कर सकेंगे। फिर इसी में दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राएं तुगलक वंश के शासकों की शासन व्यवस्था जान सकेंगे। तो यहाँ पर बात हो गई बोधात्मक उद्देश्यों को लेकर के। आगे आप डालेंगे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राएं तुगलक वंश के शासकों की शासन व्यवस्था को जान सकेंगे। दूसरा रहेगा तुगलक वंश की उन्नति को जान सकेंगे। तो इस तरह से आप विशिष्ट उद्देश्यों को लिखेंगे और यहाँ पे आपके जो विशिष्ट उद्देश्य के 3 पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें पॉइंट कम करके भी लिख सकते हैं, यानी हेडिंग वही रहेंगी, आप पॉइंट एक एक भी लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे सहायक सामग्री यानी जिसे आप TLM कहते हैं या शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। इसमें आप टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज करते हैं वो आप इसमें लिखेंगे या दिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपने टॉपिक को पढ़ाते समय चौक का इस्तेमाल किया, डस्टर, लपेट, श्यामपट, पॉइंटर, कोई चित्र, कोई मॉडल, कोई वस्तु, कोई भी चीज जो आप यूज करते हैं टीचिंग में आप सहायक सामग्री या TLM में दिखाएंगे। फिर आगे हम देखेंगे पूर्व ज्ञान यानी जिसे आप प्रीवियस नॉलेज कहते हैं। इसमें आप छात्र छात्राओं का पूर्व ज्ञान देखते हैं, उन्हें क्या कुछ पता है टॉपिक से रिलेटेड। इसमें आप लिखेंगे छात्राएं / छात्र कर लीजिएगा, ठीक है, तुगलक वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं या रखते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। आगे हम देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्नों की बात की जाए, पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न छात्रों से निकलवाने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। इसमें आपके 3 कॉलम रहेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया। इसमें आप पहला प्रश्न बच्चों से करेंगे, कोटला फिरोज शाह दुर्ग कहाँ स्थित है, बच्चों ने बताया दिल्ली में। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, बच्चों ने बताया फिरोज
तुगलक ने। फिर आपने तीसरा प्रश्न किया, फिरोज किस वंश का शासक था। छात्र निरुत्तर हो गए। अब यहीं से हमारा समस्यात्मक प्रश्न आ गया और यहीं से हम बनाएंगे उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन बनाने से पहले हम यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या बढ़ा करके भी बताएंगे, क्योंकि कोई कोई कॉलेज में बताया गया है कि आप प्रस्तावना प्रश्न 5 प्रश्नों पर बनाइए। तो यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, आप वैसे ही नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। इसमें आप पहला प्रश्न करेंगे, कोटला फिरोज शाह दुर्ग कहाँ स्थित है। बच्चों ने बताया दिल्ली में। दूसरा फिर रहेगा, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। बच्चों ने बताया फिरोज तुगलक ने। फिर आपने तीसरा प्रश्न किया, फिरोज तुगलक किस वंश का शासक था। बच्चों ने बताया तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, यहाँ पर निरुक्ता ना लिख के तुगलक वंश का शासक लिखिएगा। फिर चौथा प्रश्न आप लिखिएगा, तुगलक वंश की स्थापना किस शासक ने की। बच्चों ने बताया गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, फिर पांचवा जो आएगा वो रहेगा, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। तो छात्र निरुक्तर हो जाएंगे, फिर आपका समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा और वहीं से हमारा उद्देश्य कथन बन जाएगा। तो इस तरह से आप 5 प्रश्नों पर भी प्रस्तावना प्रश्न बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, छात्रों आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया आपका उद्देश्य कथन। आगे हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न। तो प्रस्तुतिकरण प्रश्नों की बात की जाए, इसमें आप टॉपिक से रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न करते हैं, उसके बाद आप टॉपिक को परिचय देते हुए यानी इंट्रोडक्शन देते हुए इसका स्पष्टीकरण के माध्यम से पूरे टॉपिक को समझाएंगे। इसके लिए आप 6 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि या प्रविधि, छठा रहेगा श्याम पटकार। तो ये हो गए आपके 6 कॉलम। सबसे पहले आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे, जैसा कि इसमें दिया है, खिलजी वंश के पतन के बाद कौन सा वंश शुरू होता है। बच्चों ने बताया तुगलक वंश। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो रही है, क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं और छात्र छात्राएं उनका उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, तुगलक वंश की स्थापना किस शासक ने की। छात्र निरुत्तर हो गए क्योंकि छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता। अब यहीं से हम तुगलक वंश के बारे में परिचय देंगे। उससे पहले श्यामपट कार्य आप देख लीजिए, इसमें आप लिखेंगे तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। ठीक है, इस तरह से आप श्यामपट कार्य दिखाएंगे। उसके बाद हम परिचय डालेंगे तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। फिर आप इसमें लिखेंगे तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। सुल्तान बनने से पहले वह दीपालपुर का गवर्नर था। उसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। खिलजी वंश के शासक की हत्या कर वह दिल्ली सुल्तान बना। गयासुद्दीन तुगलक अनुभवी तथा बहादुर योद्धा, योग्य राजनेता व कुशल प्रशासक था। तो इस तरह से तुगलक वंश के बारे में आप लिखेंगे। आगे हम इसी में कुछ चीजें और देख लेते हैं। फिर आप देख सकते हैं आपका जो परिचय है तुगलक वंश के बारे में काफी लंबा है। छात्र क्रिया में छात्र इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यहाँ भी आप पाठ से संबंधित व्याख्या दे रहे हैं या स्पष्टीकरण, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए, वीडियो पॉज करके इन चीजों को आराम से लिखिएगा, क्योंकि पढ़ने में काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इन चीजों को पॉइंट वाइज लिखिए, तो आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें मेन मेन पॉइंट आप छांट के लिख लीजिए, 5 से 6 पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है वो यही रहेगा, 1325 ईस्वी से मृत्यु हो गई गयासुद्दीन तुगलक की। तो ये चीजें आप श्यामपट कार्य में छोटा छोटा दिखा सकते हैं। एक बार फिर से आप इन चीजों को देख लीजिए और वीडियो पॉज करके आराम से लिखिएगा। इसी में हम आगे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे और क्या कुछ चीजें आप लिखेंगे। तो ये नेक्स्ट पेज पर फिर वही मोहम्मद तुगलक के बारे में ही दिया है। छात्र क्रिया में छात्र फिर से वही चीज ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ पर व्याख्या चल रही है पाठ से संबंधित, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। तो आप इन वीडियो पॉज करके इन चीजों को आराम से पॉइंट वाइज लिखिएगा, आप पढ़ लीजिएगा आराम से एक बार। ठीक है, उसके बाद छांट के आराम से पॉइंट वाइज लिखिएगा। फिर आप तुगलक वंश के बारे में स्पष्टीकरण भी बताएंगे कि तुगलक वंश के शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने जो भी योजनाएं चलाए सब की सब बेकार गई। इस तरह वह असफल साबित हुआ। उसने चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है, तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं और तुगलक वंश के बारे में आप बताएंगे। आप इन्हें पॉइंट वाइज करिएगा, ज्यादा सही रहेगा। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क कार में आप दिखाएंगे, यानी ये जो श्यामपट का कॉलम रहता है आपका, यहाँ पर 1388 ईस्वी फिरोज तुगलक की मृत्यु। ठीक है, तो इस तरह से आप मृत्यु या जन्म को दिखा सकते हैं। फिर आगे हम इसी में देखेंगे।
तो ये देख सकते हैं स्पष्टीकरण जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप इन चीजों को पढ़ के आराम से पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रस्तुतिकरण प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम देखेंगे इसे में बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न। तो बोध प्रश्नों की बात की जाए, इसमें आप बच्चों का मानसिक स्तर जांचने के लिए कि आपने जो भी टॉपिक को पढ़ाया है उन्हें कितना समझ में आया, उसके लिए आप बोध प्रश्न करते हैं। जैसा कि इसमें आप पहला प्रश्न कर सकते हैं, तुगलक वंश की स्थापना कब और किसने की। दूसरा प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई। तीसरा प्रश्न है, सबसे बुद्धिमान मूर्ख शासक किसे कहा गया था। चौथा है, फिरोज तुगलक के निर्माण कार्य बताइए। तो इस तरह से आप बोध प्रश्न देकर के बच्चों का मानसिक स्तर जांचेंगे कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ाया उन्हें कितना समझ में आया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क, यानी जिसे आप श्यामपट कार्य कहते हैं। तो श्यामपट कार्यों की बात की जाए तो इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन का इस्तेमाल करेंगे। चीजें फर्स्ट पेज की तरह ही मेंशन होंगी, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र, अवधि। उसके बाद आप प्रश्न दे सकते हैं, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। इसमें आप दिखाएंगे, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। दूसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की जगह किसका सिक्का चलाया। बच्चों से इस तरह के प्रश्न भी आप बीच बीच में कर सकते हैं, ठीक है, और इन्हें ब्लैक बोर्ड पे मेंशन भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप बताएंगे तांबे के सिक्के। तो इस तरह से आप वीडियो पॉज करके इन चीजों को आराम से कॉपी करिएगा। आगे हम देखेंगे निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्यों की बात की जाए, इसमें आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे जब छात्र या छात्राएं श्यामपट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार रहे होंगे। इसमें आप लिखेंगे, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक छात्राओं को श्यामपट कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देते हैं, ठीक है, या देंगी। वह स्वयं कक्षा का निरीक्षण करते हुए या कक्षा का भ्रमण करते हुए, ठीक है, कक्षा में छात्रों को जो भी आवश्यकता चाहिए वो प्रदान करते हुए कक्षा का उचित निरीक्षण कार्य करेंगी। तो इस तरह से आप चीजें आराम से अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आप चीजें कॉपी करके ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन वर्क। आगे हम देखेंगे पुनरावृत्त प्रश्न, यानी रिवीजन वर्क। इसमें आप पूरे टॉपिक का फिर से रिवीजन करवाते हैं, यानी दोहरवाते हैं पाठ को। इसके लिए आप प्रश्न देंगे, तुगलक वंश की स्थापना कब और किसने की। दूसरा प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई। चौथा प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की जगह किस धातु का सिक्का चलाया। फिर आगे इसी में हम चौथा प्रश्न देखेंगे। फिर आप लिखेंगे, सबसे बुद्धिमान मूर्ख शासक किसे कहा गया। चौथा हो गया। फिर पांचवा है, फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई। तो इस तरह से आप 3 से 5 प्रश्न भी दे सकते हैं अपने पुनरावृत्ति प्रश्नों के लिए, और आप इसे क्लास में करवाएंगे। आगे हम देखेंगे गृह कार्य, यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। गृह कार्यों की बात की जाए तो इसमें आप कोई भी प्रश्न उत्तर दे सकते हैं, टिप्पणी, सही गलत, मिलान, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति और बहुविकल्पी प्रश्न। जैसे कि इसमें सही गलत दिया है तो आप ऐसे ही दे सकते हैं। जैसे इसमें पहला है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकबाद नामक नगर बसाया, ठीक है, तो ये सही है या गलत बच्चे इसमें टिक करेंगे। दूसरा है, 1340 ईस्वी में गयासुद्दीन की मृत्यु हुई। तीसरा है, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली में बदलकर जौनपुर रखा। चौथा है, फिरोज तुगलक मोहम्मद तुगलक चचेरा भाई था। यहाँ पर का कर लीजिएगा, फिरोज तुगलक मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। फिर पांचवा आएगा, फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई। तो ये जो भी बॉक्स बने हैं बच्चे ने फिल करके बताएंगे, और इस तरह से आपका जो गृह कार्य यानी होमवर्क था वो कंप्लीट हो गया है। लास्ट में आप क्या करेंगे, आप अपने सब्जेक्टिव टीचर से साइन कराएंगे हर एक लेसन प्लान पे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा पाठ योजना संख्या 16 था वो कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 17 को लेकर के, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत उप विषय इतिहास से रहेगा और आपका प्रकरण रहेगा बाबर। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।